बाबा राष्ट्रीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुमार धुबी रेलवे स्टेशन पे। कुमार धुबी रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण होने वाला है। कुमार धुबी रेलवे स्टेशन के आसपास अतिक्रमण किए हुए जमीनों को हटाने के लिए रेलवे कई मुहिम चला रही है, कईयों को नोटिस जारी की हुई है। इस पर कुमार धुबी के रहने वाले अधिवक्ता साहब ने कहा, आइए इनकी बातें सुनते हैं। रेलवे की मुख्य समस्या क्या है अभी? रेलवे की मुख्य समस्या वर्तमान में अभी ये है कि इस कुमार धुबी रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण होने वाला है और फ्रेट कॉरिडोर का जो निर्माण होना है उसके लिए भी स्टेट ऑफिस आसनसोल से पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट के तहत लोगों को नोटिस हुआ है, जिसमें ऐसा देखा जा रहा है कि वैसे लोगों को भी स्टेट ऑफिसर ने नोटिस कर दिया है जो ज़मीन रेलवे का है ही नहीं। 1938 में ईस्ट इंडिया रेलवे ने जो ज़मीन को रेलिंक्विश करके ऑक्शन सेल कर दिया, उस पर लोग घर बना के रह रहे हैं, वैसे लोगों को भी नोटिस कर दिया है। वैसे कुछ लोगों को नोटिस किया और एविक्शन ऑर्डर पास किया, वो लोग डिस्ट्रिक्ट जज धनबाद कोर्ट में अपील फाइल किए हैं। निश्चित रूप से उसमें रेलवे की गलती है, इलीगली एविक्शन ऑर्डर पास हुआ है, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट से उसको स्वतः जो है सेट असाइड कर दिया जाएगा। आधुनिकीकरण की जो बात अभी चल रही है उसमें देखा जा रहा है कि DRM आसनसोल कार्यालय से आधुनिकीकरण के लिए विलम्ब से कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो है त्वरित कार्रवाई नहीं की जा रही है और बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है। जहाँ तक कि कुमार धुबी रेलवे प्लेटफार्म है, गंदगी का अंबार बढ़ाता है, कोई स्वीपर झाड़ू लगाने वाला नहीं है, जो भी है कैजुअल है उसको सही ढंग से पैसा नहीं मिलता है और कुछ लोग उसमें काम छोड़ के भाग गया। DRM आसनसोल कुमार धुबी स्टेशन के प्रति और यहाँ के समस्या के प्रति बिल्कुल जो है उदासीन है और वर्तमान में जो DRM परमानंद शर्मा है, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो स्वयं आकर के कुमार धुबी स्टेशन का निरीक्षण करें और यहाँ की जो समस्या है उसका समाधान करें। यहाँ तक कि लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलता है। मेरा नाम विनय कुमार झा है, मैं धनबाद कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।